नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सुमन, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक, आपका दोस्त, आपका भाई, सक्सेस विद सुमन केवीएस में आपका स्वागत है। और इतने प्यार और इतने विश्वास जताने के लिए, मेरे पे इतना विश्वास बनाए रखने के लिए आप सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं कि आपने मुझ पे इतना भरोसा किया है तो आपको आपके मंजिल तक मुझे ले जाना और कंधे से कंधे मिलाना और आपके आपके लक्ष्य को प्राप्त करवाने में मुझसे जितना हो सकेगा मैं ईमानदारी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ मैं रहूंगा, नौकरी के पहले, नौकरी तक और नौकरी के बाद मैं आपके साथ रहूंगा। तो दोस्तों, आज मैं डेमो टीचिंग में मैथ्स के एक नए चैप्टर सब्ट्रैक्शन को कैसे पढ़ाना है और उसमें क्या क्या चीज आप टीएलएम के रूप में ले सकते हैं, और कुछ भी आपके पास टीएलएम नहीं है तो आप स्कूल में जो चौक है, जो पेन्स हैं, इनको आप, इनके हेल्प से आप बच्चों को सब्ट्रैक्शन आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन सबसे पहले आपको डेमो टीचिंग के लिए सबसे पहला जो चीज है कि आपके अंदर प्रैक्टिस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आज इसको लिख दिया हूं, इम्पोर्टेंट टू राइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस रखता है आपके लिए कि डेट लिखना मैंडेटरी है। सब्जेक्ट में मैथ्स नहीं, मैथमेटिक्स लिखेंगे, और टॉपिक में सब्ट्रैक्शन लिखेंगे और क्लास वन लिखेंगे। ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी है मेरे दोस्तों, इसको नहीं भूलना है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में 40 स्टूडेंट्स है तो अगर उसमें से 36% है तो 36% लिखेंगे, और 36 जब परसेंट है तो 4% लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आप चैप्टर यहाँ पे लिखेंगे, चैप्टर 10 सब्ट्रैक्शन है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप सबसे पहले एक कहानी के माध्यम से कहेंगे कि हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। तो बच्चे कहेंगे वी आर फाइन सर। तो आप कहेंगे कि बच्चे चलिए आज हम कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जो आपको बहुत मजा आएगा, उसको करने के बाद आपको मैं एक ऐसा एक्टिविटी दूंगा जो खुद करोगे, और जो खुद करेगा उसको मैं एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो अपने घर पे ले जाकर मम्मी पापा को दिखाएंगे तो उनके मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे। इतना जब आप बोलते हैं तो बच्चे के अंदर बहुत जुनून आ जाता है, बहुत वो ऐसे सोचने लगते हैं, नहीं मैं सबसे पहले करूंगा, और बच्चे के अंदर वो डिजायर आने लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी वो चीज सर दे दें और मैं घर पे दिखाऊं और मेरे मम्मी पापा मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे बहुत ज्यादा दुलारें, प्यार करें, लार दुलार करें। तो हाँ, चलो बच्चे आज हम एक एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, आप कोई दो बच्चे आ जाओ, आप इतने बोलेंगे कि पूरे क्लास के बच्चे आपके पास आ जाएंगे। तो आप कहेंगे कि बच्चे आप सब आ जाओगे तो फिर ये एक्टिविटी नहीं होगी, आप तो सब अच्छे बच्चे हो ना, आप ए और बी ये दो बच्चे मेरे पास रहे और बाकी सभी बच्चे बैठ जाइए, मैं एक एक करके सबको बुलाने वाला हूं और आप सब आओगे एक एक करके। मैं बोर्ड पे आप लोगों से आज तो मुझे कुछ पढ़ाना ही नहीं है, आज तो आप लोगों से मुझे सीखना है। बच्चे के अंदर इतना क्यूरियोसिटी आ जाएगी, इतना सोचने लगेगा, इतना हंसने लगेगा, इतना वो आनंदित हो जाएगा कि आपके क्लास एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ साथ बच्चे सीखने के लिए आतुर हो जाएंगे। तो आप
शुरू करेंगे कि चलो बच्चे बताओ सबसे पहले कि ए मैंने क्या बनाया है। सबसे पहले बच्चे शुरू कर देंगे, बोलेंगे सर ये टॉफी है। अच्छा तो टॉफी तो आपको पसंद है ना? जी सर मुझे पसंद है। अच्छा बताओ कितनी टॉफियां हैं? तो बच्चे करेंगे 1 2 3, सर 3 टॉफी है। अच्छा 3 टॉफी है, अच्छा चलो 3 टॉफी है ना, तो मैंने इस टॉफी को ना तुम्हारे छोटे भाई को दे दिया। अब बताओ कितनी टॉफी है? बच्चे कहेंगे सर 1 2। कितने टॉफी है बेटा? 2। तो आपके पास टोटल कितने टॉफी थे? 1 2 3। तो टोटल टॉफी हो गए आपके 3, आपने 1 दे दिया, तो कितने टॉफी बच गए? तो आपके पास बच गए। तो बच्चे बोलेंगे सर मेरे पास 2 बच गए। तो एक एक छोटा सा एक्टिविटी है जो आपको इंटरव्यू के पैनल में जितने भी मेंबर्स है वे इस चीज को देखकर वे भूल जाएंगे कि आपके पास कितना नॉलेज है। नॉलेज दिखाना ही नहीं है, नॉलेज आपसे जानने की कोशिश भी नहीं की जाएगी। आपसे जानने की कोशिश ये किया जाएगा कि आप बच्चे को कितना सिखा रहे हैं, बच्चे आपसे कितना संतुष्ट है, बच्चों को वो चीज मिल रहा है कि नहीं जो मिलना चाहिए। तो इस तरह से आप टॉफी का एक एग्जांपल दे देंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि अच्छा बताओ गर्मी के मौसम में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बच्चे कहेंगे कि सर जी मुझे आइसक्रीम पसंद। अच्छा बताओ बच्चे ये क्या है? सर जी ये आइसक्रीम है। अच्छा बताओ ये आइसक्रीम है? अरे वाह, तो बताओ ये आइसक्रीम है तो इसके टेस्ट भी तो तुमको मालूम है ना? बच्चे फटाफट इसके टेस्ट भी बता देंगे। उसके बाद आप बोलेंगे कि अच्छा बताओ टोटल कितने आइसक्रीम है? तो बच्चे बोलेंगे सर जी 3 आइसक्रीम है। अच्छा 3 आइसक्रीम है, अच्छा चलो 3 आइसक्रीम है, इसमें से ये 2 आइसक्रीम आप किसी को दे दिया, अपने दोस्त को दे दिया, तो आपके लिए कितनी आइसक्रीम बचे? तो बच्चा तुरंत कहेगा कि सर जी मेरे लिए ना 1 आइसक्रीम बचा। तो आप आइसक्रीम के कुछ ऐसे टीएलएम बनाएं, या मान लीजिए कि आप इसको ये इस तरह से आपके पास 3 मार्कर हैं, 3 मार्कर हैं, तीनों मार्कर को आप अपने पास रखिए और बच्चे से पूछिए कि बच्चे कितने मार्कर्स हैं? बच्चे कहेंगे सर 1 2 3। अच्छा चलो मैंने इसमें से 1 मार्कर निकाल लिया, अब बताओ कितने मार्कर्स हैं? तो बच्चे कहेंगे सर 1 2, सर 2 मार्कर्स। तो इस तरह से बच्चे सब्ट्रैक्शन की ओर उसके कंसेप्ट को, उसके थ्योरी को और उसकी एप्लीकेशन को समझने में उन्हें बहुत मदद मिलेगी, बहुत सहूलियत होगा। दे विल लर्न द कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड दे कैन डू देमसेल्फ टू द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ TLMs like marker, like chalks, like their toffees, like their paints, like each and everything which are available nearby the children, they will try to start to adopt and create some creativity which are related to subtraction. And you have to only instigate the straight interest of the students, they will happily do each and everything with a smart mode. इतना आप जब इंटरव्यूअर के सामने बोलेंगे, इस तरह से एक्टिंग करके बताएंगे और उसमें उन्हीं से पूछेंगे कि आपने, बच्चे आप बताओ कि आपने 2 आइसक्रीम अपने दोस्त को दे दिए तो आपके लिए कितनी आइसक्रीम है? बच्चा फटाफट आंसर देगा। और इस तरह से 5-6 पिक्चर को बनाइए और उसके बाद बच्चे को फिर पिक्चर ही बनाकर पिक्टोरियल फॉर्मेट में फिर 10-12 पिक्चर बना दीजिए, फिर उन बच्चों को दे दीजिए। बच्चे इतनी आसानी से सब्ट्रैक्शन सीख जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा
कि कितने जल्दी बच्चे सब्ट्रैक्शन के कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि आप ये बच्चों से पूछेंगे कि ये कितने हैं, बच्चे बोलेंगे कि सर वन, यहां पे आप वन भी लिखे हैं, यहां पे कितने हैं बेटा तो टू, तो इस यहां पे कितने हैं तो वन वन टू, तो यहां पे आप लिख सकते हैं टू। किस पे कितने हैं तो बच्चे करेंगे इस पे थ्री। अच्छा बताओ इसमें कितने हैं तो यहां पे बच्चे करेंगे फोर। तो आप एक एक चीज बता रहे हैं कि यहां पे एक कोई ऑब्जेक्ट है तो आप वन डिजिट भी लिख रहे हैं, और आप इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है MD3 के फॉर्मेट में जाना है तो यहां पे वन लिखिए। अब देखिए मैं कैसे MD3 को भी डेवलप कर रहा हूं, यहां पे आप टू लिखिए, यहां पे आप थ्री लिखिए और यहां पे आप फोर लिखिए। इतना लिखिए पहले, इतना लिखने के बाद आपने एक कलर का भी यूज किया। अब मैं बता रहा हूं कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में और दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे के साथ किस तरह से मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा ने सीखा कि मैथ्स का वन, यहां से उसने इंग्लिश सीख लिया ONE, उसके बाद यहां से EVS सीख लिया कलर रेड, इतना सीख लिया, तीन सब्जेक्ट उसने सीख लिया, पहला मैथ सीख लिया, उसके बाद इंग्लिश सीख लिया, उसके बाद EVS सीख लिया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां अगर आप MDP का जिक्र कर देते हैं आपका सोना में सुहागा लग जाएगा। MDP को आपको करना ही करना है, MDP का एकदम जिक्र करना है और MDP से एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में किस तरह से आपको इंटरलिंक करना है उसको मैं बता रहा हूं। कि बच्चा ने यहां सीखा कि ये वन है, यहां ये मैथमेटिक्स सीख लिया, उसके बाद आपने उसको ONE यानी कि इंग्लिश बता दी, इंग्लिश सीख लिया यहां पे बच्चा, और यहां पे कलर हो गया रेड, तो बच्चा यहां पे RED सीख लिया, अर्थात यहाँ पे EVS सीख लिया, कलर के बारे में जान गया। और आप यहां से 1 2 3 4 इंग्लिश की पोएम बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 ये हिंदी की कविता भी बता सकते हैं, तो यहां से बच्चा हिंदी भी सीख लिया। और इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ एक साथ रिलेशन को एस्टेब्लिश करना ही MDP यानी मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के अंदर हम इन सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप MDP की चर्चा कर दिया वहां पे तो बोर्ड मेंबर्स सीधा MDP, अच्छा MDP क्या होता है आप जरा बताइए, आप वहां MDP बताइए और MDP से एक कहानी लीजिए और कहानी को शुरू करिए मैथ से, एक कहानी को शुरू करिए हिंदी से, कहानी को शुरू करिए EVS से, और EVS से जाइए मैथ्स में, मैथ्स से जाइए इंग्लिश में, इंग्लिश से जाइए हिंदी में। मैं 100% बता रहा हूं, 100% मेरी आंतरिक इच्छा, हमारी आंतरिक शक्ति ये कह रहा है कि आपको MDP और एक और वर्ड है STP, ये दो चीज आपको निश्चित रूप से जानना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। STP तो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर बोर्ड मेंबर्स किसी ने पूछ लिया किसी विद्यार्थी से कि अच्छा बताओ STP क्या होता है, हमें STP की क्यों जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले STP, अब STP को आपको जानना बहुत जरूरी है और STP को आपको ध्यान में रखना है कि इसका फुल फॉर्म होता है स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलॉसफी।
स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलोसफी। अब स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलोसफी क्या होता है ये मैं आपको विस्तार से दूसरे क्लास में बताऊंगा। तब तक आप स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलोसफी के बारे में इतना जान लीजिए कि बोर्ड मेंबर अगर आपके सामने अगर क्वेश्चन पुट करते हैं तो आपको हेजिटेशन और किसी तरह के दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलोसफी इसके फुल फॉर्म हो गए, और आप टीचिंग को अपने किस फिलोसफी से पढ़ाते हैं उसी के स्टेटमेंट को लिखना ही स्टेटमेंट्स ऑफ टीचिंग फिलोसफी। जैसे हम मैथ्स पढ़ाते हैं या ईवीएस पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो हम किस फिलोसफी, किस पेडागोजी का यूज करते हैं, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, प्ले वे मेथड, या आजकल एक नया आया है टॉयज बेस्ड पेडागोजीज। इन चार पांच चीजों के साथ अगर आप पढ़ाते हैं और उसमें आप क्या करते हैं, टेक्स्ट से पढ़ाते हैं, ई कंटेंट से पढ़ाते हैं, पीपीटी से पढ़ाते हैं, या ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, पिक्टोरियल फॉर्मेट में पढ़ाते हैं, इन सभी स्टेटमेंट्स को लिखना ही एसटीपी कहलाता है। ये नया कंसेप्ट है। एसटीपी और एमडीपी इन दोनों को बहुत ध्यान से सीखना है आपको, और ध्यान से आपको सीखकर उसको बोर्ड के सामने, मेंबर्स के सामने इसको इस तरह से परोसना है, इस तरह से रखना है दोस्तों कि आपको बोर्ड मेंबर समझ जाएं कि ये बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए ही है, इसको लेना अति आवश्यक है। तो दोस्तों मैं अभी रात के बज रहे हैं एक, और मैं अभी आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों का विश्वास, आप लोगों की इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, इतने परेशानी है आप लोगों के साथ, और होना भी चाहिए। लाइफ में अगर स्ट्रगल नहीं है तो लाइफ नहीं है, और जिस दिन आप स्ट्रगल और एम को छोड़ देंगे उस दिन लाइफ आपका लाइफ नहीं रहेगा। इसलिए आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, अपने भाई से, अपने सर से विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क टू द हेल्प ऑफ कमेंट्स। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर एनी टाइप्स ऑफ क्वेरीज, एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सक्सेस विद सुमन केवीएस का एक ही लक्ष्य है, आप जानते हैं कि जमीन से आसमां के ऊपर उड़ाना, पंख है तो घमंड क्या, बिना पंख का हम तुमसे ऊपर उड़ने की क्षमता रखते हैं। और इतना अगर प्रतिदिन आप बोर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं, मैं ये 100% रिटेन गारंटी देता हूं कि आप डेमो टीचिंग में सबसे अच्छे नंबर लाएंगे। आप हमें फोन कर या व्हाट्सएप पे या कमेंट कर बताएंगे कि सर मेरा रिटेन में इतना है और मैंने इस तरह से आपके आपको फॉलो किया और आज मुझे इतना नंबर मिला है। दोस्तों सक्सेस विद सुमन केवीएस परिवार प्रतिदिन इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है कि मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने रफ्तार से परिवार विस्तार हो रहा है, और बहुत जल्द हम एक अच्छे मेंबर्स वाले फैमिली बन जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे मेहनत आपको पसंद आ रही होगी, और इस मेहनत से आप अपने अंदर मेहनत करने की जो कैपेसिटी है उसको निश्चित रूप से अपग्रेड कर रहे होंगे, और याद रखेंगे कि ये लेक्चर सुनना भी है और साथ साथ करना भी है। सिर्फ सुन लोगे और कहोगे अच्छा सर ने आइसक्रीम बना दिया, सर ने टॉफी बना दी, सर ने ये बुक टाइप की कुछ बना दी, सर ने ये वाकस बना दिया, ऐसे ये वाकस भी है, ये वाकस भी मैं बता दूंगा कि उसके हेल्प से भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा सकते हैं, और इस तरह से सर बता दिए और आप उसको मेमोराइज कर रहे हैं, रोट कर रहे हैं, और जैसे पैनल में जाएंगे सारा ब्लैंक्स हो जाएगा। इसलिए इस भाई का बात पे भरोसा करिए, इस मित्र पे, इस शिक्षक पे विश्वास रखिए, और प्रतिदिन बोर्ड का इस्तेमाल करिए। अपने परिवार वाले की, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन को सामने बैठाइए, और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलिए।
अभी मैं आपको बोर्ड पे खड़ा कर रहा हूं, अभी तो मेन लड़ाई और उसकी जीत की स्ट्रैटेजी, जैसे बाबर ने इतने बड़े साम्राज्य को, उतने बड़े सम्राट को किस हिसाब से हराया था, उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी, अभी तो वो सब चीज डेमो टीचिंग में बाकी है। अभी तो आपका भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रहा है कि आप बोर्ड के सामने खड़ा रहिए और आइए तो किस तरह से खड़ा होना है, किस तरह से अपने को प्रेजेंट करना है, किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से बच्चों को ग्रीट्स करना है, बच्चों के कंसंट्रेशन को अपनी साइड करना है और अपनी कंसंट्रेशन को बच्चों की ओर करना है और ध्यान रखना है कि आपका जो क्लास हो वो चिल्ड्रन सेंट्रिक हो, नॉट टीचर सेंट्रिक हो। अर्थात बच्चों के हिसाब से आपकी क्लास होनी चाहिए, आपके हिसाब से आपका क्लास नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं यहीं पे इस क्लास को रोकूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये परिवार बहुत जल्द हजारों की संख्या में ये परिवार आगे बढ़ेगा और इन्हीं उम्मीद के साथ मैं आज का क्लास यहीं पे रोकता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।